हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपली कि आप किस प्रकार से अपने रियलमी 5i के अंदर फ्रेंड्स पैटर्न लॉक और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, काफी ईजी मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग में हम आ जाते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फिंगर, फेस और पासवर्ड। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिंपली इजी इजी एक चीज पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहले लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको उसको टर्न ऑन करना है। तो यहाँ से आप कुछ भी लगा सकते हैं पासवर्ड जो आप डालना चाहें, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको पैटर्न लॉक चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर इंस्क्रिप्शन मेथड्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप पैटर्न कोड चूज करें तो अपने हिसाब से पैटर्न लगा सकते हैं। तो मैंने भी नॉर्मल पैटर्न सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप सेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी पूछेगा, तो कोई भी एक ईमेल आईडी आप यहाँ से डाल सकते हैं। बट आपको ईमेल आईडी याद रखना है, जिससे क्या होगा कि आपका इन फ्यूचर के आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको डाल के इसको फॉरगेट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको डाल दिया हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा ईमेल आईडी नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। कहीं आप इस पर बार बार मेरे को मेल आईडी करें तो मेल करें तो उससे बेहतर है। मैं आपको बता दूं कि एक फेक मेल आईडी मैंने डाला हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से मैंने लगा दिया इसको, तो मैं आपको चूज दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लॉक लगा हुआ मिलेगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका पैटर्न लॉक और पासकोड आप इस प्रकार सेट कर पाओगे। अभी मैं आपको बता दूं कि आपको फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको वापस से इसी सेटिंग में आना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिंगर और फेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको फिंगर पर सेलेक्ट करना है। तो जो आपने अभी लॉक लगाया था वो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बोलेगा ऐड ए फिंगर करने को, तो यहाँ पे आप पीछे की तरफ फिंगर ऐड कर पाएंगे। तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, इसका हम टेस्ट भी करेंगे फ्रेंड्स कि कितना फास्ट काम करता है। ओके, तो थोड़ा सा और रह गया है आई थिंक नीचे की ओर। ओके, कंटिन्यू, डन। तो यहाँ से आप लगा पाए अपना फिंगरप्रिंट भी। अब हम इसमें करते हैं अपना फेस ऐड। तो आपको वापस से यहीं पे आना है और यहाँ पे आपको फेस पे जाना है। तो फिर से वही लॉक लगा देना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना फेस ऐड करता हूँ। तो ओके, तो इसको करते हैं हम कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पे हमने फेस अपना ऐड कर दिया है और यहाँ से हमारा फेस ऐड भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बार इनको टेस्ट कर लेते हैं सिंपली पहले। तो मैं इसको पहले यहाँ से किया लॉक। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं चेक करता हूँ पहले इसका पैटर्न लॉक जो कि खुल गया। अब मैं चेक करता हूँ इसका फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आप देख पाओगे फिंगर लॉक। ओके, खुल गया। एक बार फिर से हम चेक करते हैं तो फिंगर लॉक। ओके, तो एक बार हम फेस ट्राई करते हैं बट। ओके, तो ये फेस से खुल गया। यहाँ पे बोल रखा है स्वाइप अप टू ओपन। इसको आप स्वाइप अप करोगे तभी ओपन होगा। तो इसके मेरे पास ऑप्शन है, आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। आपको वापस से जाना है यहाँ पे फिंगर इन इसी में जाना है और आपको फेस में जाना है फ्रेंड्स। फेस में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो आपका स्वाइप अप का ऑप्शन है आप इसको कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं डायरेक्टली विद फेस लॉक। इसको आप एनेबल करें, इसको आप टच करें तो आपका जो है डायरेक्ट फेस से खुलेगा फोन इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।